जिसका डर था वही हुआ। जिस सऊदी अरब को लेकर इसराइल ने बहुत उम्मीदें पाली हुई थी, उसने आखिरी वक्त में ऐन वक्त पर ऐसा कदम उठाया कि जो बाइडेन भी हैरान है। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो ईरान हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इसराइल को बचा पाएंगे? पूरी दुनिया की नजर इस शख्स पर थी। सब जानना चाहते थे कि यह शख्स क्या फैसला लेगा। इसने अमेरिका की तरफ देखा, इसने ईरान की तरफ देखा, इसने फिलिस्तीन की तरफ देखा और फिर कह दिया ना। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस ना के आगे नए तनाव का खतरा है, इस ना के आगे नए युद्ध का डर है। इस ना की वजह से पूरा पश्चिम एशिया एक भूकंप आने का इंतजार करने लगा है जो अब पूरी दुनिया को हिला सकता है। सऊदी अरब और इसराइल के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से सुलगने लगा है। जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी में देखी, जिस खून खराबे की तस्वीरें वेस्ट बैंक से निकलकर पूरी दुनिया तक गई, उन तस्वीरों ने मोहम्मद बिन सलमान को बेचैन कर दिया है। इसीलिए सऊदी अरब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब ने बता दिया है कि जब तक इसराइल में नेतन्याहू की सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच दूरियां नहीं मिटेंगी। सऊदी अरब ने यह कहकर इसराइल के साथ दोस्ती के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में नया तहलका मचा दिया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक और सीरिया से लेकर इराक तक इसराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा सुलग सकता है और इसकी कमान अब ईरान के साथ सऊदी अरब भी संभालेगा। पूरे इसराइल में ऐसा ही डर सताने लगा है। अब तक सऊदी अरब की तरफ इसराइल बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा है, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू की फिलिस्तीन पॉलिसी ने ऐसी तमाम कोशिशों की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। वेस्ट बैंक में गोलीबारी और गाजा पट्टी में बमबारी को लेकर इसराइल सऊदी अरब के लिए एक बार फिर बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यही वजह है कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच दोस्ती की नई उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अरबी भाषा के अखबार एलफ के हवाले से पूरा इजरायली मीडिया ये खबर छाप रहा है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक इसराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार रहेगी, इसराइल से शांति वार्ता नहीं हो सकती। गाजा पट्टी में जब जब इसराइल की बमबारी हुई है, जब जब वेस्ट बैंक की जमीन पर इसराइल के सेटलर्स का कब्जा हुआ है। ये तस्वीरें मई महीने की ही हैं, जब गाजा पट्टी पर इसराइल ने खूब बमबारी की थी, धमाके ऐसी कि बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दे। ये गाजा का उत्तर पश्चिमी इलाका है जहां इसराइल ने मई महीने में रात भर हमले किए हैं। छोटे बड़े धमाके होते रहे। इसराइल अक्सर यहां हमास के रॉकेट हमले के बाद हवाई बमबारी करता है। इसराइल दावा करता है कि उसने फिलिस्तीनी गुट हमास को टारगेट किया है। उसके ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल किए गए। हमास के सुरंग के नेटवर्क को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। हमास के रॉकेट लॉन्चिंग वाले ठिकानों को जीपीएस गाइडेड बम से उड़ा दिया गया। लेकिन इस बमबारी को लेकर इसराइल हमेशा कटघरे में रहा है और अब सऊदी अरब इसी बात को लेकर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। ऐसी तस्वीरें मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टीवी पर भी देखी है। इसराइल की फोर्स के तमाम वीडियो, चाहे वो अल अक्सा मस्जिद की हो या फिर जेरूशलम की गली, इन सबके बारे में सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है। बाइडेन की सरकार को रियाद से ये संदेश भेजा जा चुका है और फिर वहां से यही संदेश इसराइल की राजधानी तेल अवीव भी ट्रांसफर कर दिया गया है। सऊदी अरब के इस रुख ने इसराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड वाली पहल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी वजह बताई है, जिसके पीछे फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू सरकार का आक्रामक रवैया सबसे बड़ी वजह है। क्या सऊदी अरब ने ऐसा ईरान के कहने पर किया है? क्या सऊदी अरब और ईरान की नई दोस्ती अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा फांस बनने वाली है?
इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत प्रेशर में हैं। उनके खिलाफ पहले ही इसराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब फिलिस्तीन को लेकर जो तनाव फैला है उसमें ईरान के बाद सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसराइल हमेशा की तरह कमजोर नहीं दिखना चाहता। עם איראן, עם החיזבאללה, לפני השלום עם מצרים, עם סוריה, עברנו מלחמות, עברנו מערכות. ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית. ואז כל מה שנותר לנו זה לנסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי, אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו. पश्चिम एशिया में विवाद के इस पूरे मकड़जाल में इसराइल की फिलिस्तीन नीति नेतन्याहू के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन में इसराइल का जुल्म खत्म नहीं होगा, जब तक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच माहौल ठीक नहीं होगा, तब तक सऊदी अरब के साथ भी इसराइल के संबंध ठीक नहीं होंगे। ऐसा अलफ अखबार का दावा है। कह सकते हैं कि इसराइल के खिलाफ सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला उतर चुका है। ईरान से दोस्ती के बाद सऊदी अरब के इसराइल को लेकर ये सबसे तीखे तेवर कहे जा सकते हैं। सऊदी अरब ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक इसराइल में नेतन्याहू सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच तनाव कम नहीं होगा। फिलिस्तीन में हिंसा अरब मुल्कों को इसराइल के खिलाफ एकजुट कर सकती है। ये ख्याल इसराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ा खतरा पैदा करने लगा है। क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर सऊदी अरब की लीडरशिप में तमाम अरब मुल्क फिर से इसराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे? क्या अरब मुल्क और ईरान एक साथ आए तो इसराइल और अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ जाएगी? जब से इसराइल 1948 में कायम हुआ है तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इसराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया और अरब देशों के बीच इसराइल की इमेज बिल्डिंग को एक नया लॉन्च पैड मिल गया। इसे पश्चिम एशिया में शांति कायम करने का नया तरीका बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाला अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब की सुलह कराने में भी जुट गया। Excellency, my friend, the foreign minister, and I agreed that we should work together to increase the number of the direct flights, the tourism, the trade volume, the investment. यूए यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन अब इसराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत कर चुके हैं। फिर ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इसराइल से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बढ़ गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने जॉर्डन में अपने राजदूत को फिलिस्तीन का अनिवासी राजदूत करार दिया था। राजदूत को यरूशलम में काउंसल जनरल के तौर पर भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। लगा कि इसराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जो कोशिश पहले हुई है उसमें सऊदी अरब ने एक नया पेंच फंसा दिया है, क्योंकि ये भी कहा गया कि यरूशलम राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इसराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। इसराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलम को राजनयिक बेस बनाने के विचार को खारिज कर दिया। इसराइल ने कहा कि सऊदी अरब के नए राजदूत फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां स्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब ने एक बार ये फिर दिखा दिया है कि वो फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल फिर बड़ा टारगेट बन सकता है। अमेरिका इस बात को लेकर डरा हुआ है क्योंकि लेबनन जाकर फिलिस्तीन गुट हमास के उप प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया है कि इसराइल को फिर से हिलाने का वक्त आ गया है। यह तस्वीर हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी की है। अरूरी ने लेबनन जाकर फिलिस्तीन को आजाद करने को लेकर बने पॉपुलर फ्रंट के उप महासचिव जमील मजहर से मुलाकात की। इस मुलाकात में तय हुआ कि इसराइल के खिलाफ इंतीफादा यानी फिर से हथियारबंद विद्रोह का वक्त आ गया है। इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है और फिलिस्तीन को लेकर ईरान इनको फंड भी करता है और हथियार भी देता आया है। इसलिए बड़ी पिक्चर में युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है उसमें ईरान इसराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों की दुश्मनी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है।
इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इसराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इसराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हाल ही में इसराइल के दो बड़े शहरों को मिटाने की धमकी दी, जिसके बाद युद्ध का खतरा बढ़ने लगा। بدون تردید بدانند که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती आगे बढ़ाने में फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इसराइल के खिलाफ खतरे की घंटी बजने लगेगी। ये बाइडन के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित होगा। And US and Israel's policy has been to create confrontation between Iran and its neighbors. So the resources of Iran is used to engage in this confrontation instead of helping Iran's people or helping progress. Iran never considered Saudi Arabia to be an enemy. Iran didn't want to have bad relations with Saudi Arabia. Iran wanted to have good relations with all neighbors, including Saudi Arabia.